अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कार्टून करेक्टर से लिपसिंग करवाई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम कार्टून करेक्टर से हैंड मूवमेंट करवाएंगे और आप लोगों को सिखाएंगे। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कार्टून करेक्टर अपने हैंड को कितने अच्छे तरीके से मूव कर रहा है। इसके हैंड भी आप लोग देख सकते हैं और हैंड्स का पोस्चर भी आप लोग देखें। बिल्कुल इसी तरीके से आप भी अपने करेक्टर को हैंड मूवमेंट करा सकते हैं। करेक्टर के हैंड हम लोग आई बेस पेंट में नहीं बनाएंगे। इस करेक्टर के हैंड हमने डाउनलोड किए हैं एक वेबसाइट से। अगर आप लोगों को जानना है कि वो वेबसाइट कौन सी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये पांच टाइप के हैंड पोस्चर्स हैं। इन्हीं हैंड पोस्चर का यूज आज हम इस वीडियो में करेंगे। इन हैंड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोगों ने इन हैंड्स को अपने फोन में डाउनलोड करना है। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हैंड्स को डाउनलोड कर लेने के बाद आप लोगों ने ड्राइंग कार्टून 2 ऐप को ओपन करना है। उसके बाद आप लोगों ने आइटम कंस्ट्रक्टर पर क्लिक करना है। यहाँ पर ग्रीन कलर के न्यू बटन पर क्लिक करें। उसके बाद आप लोगों ने न्यू बॉर्न पर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने अपने हैंड्स को ऐड करना है। तो अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता है कि कार्टून करेक्टर के पार्ट्स को किस तरीके से हम लेकर आते हैं अपनी गैलरी से। तो यहाँ पर बकेट को होल्ड करेंगे, कैंची पर क्लिक करेंगे और फोटोज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हैंड चार्ट मेरे सामने आ चुका है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर हम पहले हैंड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर आप लोगों को जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, इस लाइन के ऊपर आप लोगों ने इस हैंड को रखना है। उसके बाद आप लोगों ने सही के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने अपने हैंड को छोटा या बड़ा करना है तो इस वाले ऑप्शन से आप लोग अपने हैंड को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसको आप प्रेस करें और ये देखें, आप अपने हैंड को छोटा बड़ा कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने हैंड को पीछे पे थोड़ा सा स्पेस देना है। ये देखें, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा सा पीछे से स्पेस छोड़ देंगे। हैंड को एडजस्ट कर लेने के बाद इस ग्रीन कलर के बॉक्स पे क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया है कि ये स्टेटस लेयर का ऑप्शन होता है। अब यहाँ पर हम वन बाय वन एक एक लेयर बनाएंगे और उन लेयर्स में वन बाय वन अपने हैंड्स को रखते जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम न्यू लेयर बनाएंगे। न्यू लेयर बनाने के लिए आप लोग प्लस वाले बटन पर क्लिक करें। ये देखें, न्यू लेयर बन चुकी है। ऊपर वाली लेयर में ये वाला हैंड है और नीचे वाली लेयर खाली है। तो इसी लेयर में हम अब दूसरा हैंड लेकर आएंगे। तो ये देखें, दूसरा हैंड भी यहाँ पर आ चुका है। ये देखें, ऊपर वाली लेयर में हमारे पास ये वाला हैंड है और नीचे वाली लेयर में हमारे पास ये वाला हैंड है। अगर ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो इसको छोटा करेंगे। ये देखें, बिल्कुल सही हो गया है। अब तो अब हमें तीसरे हैंड को लेकर आना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सारे हैंड्स हम लोग लेकर आ चुके हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये चेक करना है कोई हैंड छोटा या बड़ा तो नहीं है। अगर छोटा बड़ा है तो आप लोगों ने उसको एडजस्ट कर लेना है। तो ये देखें, यहाँ पर दूसरी लेयर में जो हमारे पास हैंड है वो मुझे बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा। ये देखें, बिल्कुल सही हो गया है। अब बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने सारे हैंड्स को इक्वल कर लेना है। तो सभी हैंड्स को एडजस्ट कर लेने के बाद आप लोगों ने सही वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को सेंटर में एक डॉट नज़र आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों को राइट साइड में हैंड नज़र आ रहा है, जो जिसको हमने अभी अभी ऐड किया है। इसके थ्री डॉट्स पे क्लिक करके इसको अटैच करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हैंड अटैच हो गया है। उसके बाद हम इस बड़े पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, इसको स्लैब पॉइंट पर सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। उसके बाद इस वाले पॉइंट को हम थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद इसी पॉइंट को हम लोगों ने मास्टर पॉइंट बनाना है। तो सेटिंग में जाएंगे, मास्टर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अब ये हैंड रेडी है, तो इसको सेव करेंगे। लेफ्ट साइड पे आप लोगों को थ्री लाइन का बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर टैप करना है और इसको सेव कर देना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा हैंड यहाँ पर सेव हो चुका है। तो अब हम अपने करेक्टर में हैंड को अटैच करेंगे और आप लोगों को एनिमेट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने न्यू कार्टून में जाना है, उसके बाद हम लोगों ने इंसर्ट में जाना है, जंगल में जाना है, फिर कस्टम आइटम में जाना है और यहाँ से हम अपने करेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। ये देखें, यहाँ पर ये उसकी नीचे वाली बॉडी आ गई है, ये करेक्टर का सर आ गया है, ये आइज आ गई है और ये माउथ आ गया है और ये हैंड आ गया है। अब इन सबको आपस में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखें, करेक्टर की बॉडी जो है छोटी है और इसका सर बड़ा है, तो इसको एडजस्ट करेंगे।
तो ये देखिए हमने कैरेक्टर के सभी पार्ट्स को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर अपने हैंड को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हैंड को छोटा करके एडजस्ट करेंगे। तो हमने लेफ्ट साइड में भी हैंड को अटैच करना है, तो दोबारा एक और हैंड को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और हैंड को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखें एक और हैंड यहाँ पर आ गया है, इस हैंड को भी हम छोटा करेंगे। उसके बाद हमने इस हैंड की डायरेक्शन को फ्लिप करना है, तो उसके लिए हम लोग एडिट यूनिट पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको फ्लिप कर लेंगे, तो इसकी डायरेक्शन दूसरी तरफ हो जाएगी। तो हैंड की मूवमेंट करने से पहले हम यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करेंगे। तो बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए ऊपर थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड आ गए हैं, इनमें से आप कोई सा भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कलर सेलेक्ट करना है तो ऊपर कलर का भी टैब है, तो आप ग्रीन कलर भी ले सकते हैं और उस ग्रीन कलर को बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। तो दोस्तों कार्टून कैरेक्टर की एनिमेशन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा की फ्रेम। की फ्रेम क्या होता है? जैसे कि आप लोगों को दो बटन नजर आ रहे हैं, एक येलो कलर का और एक ब्लू कलर का, तो ये की फ्रेम बनाने में काम आते हैं। येलो कलर के बटन से आप पिछले फ्रेम पे जा सकते हैं और ब्लू कलर के बटन से आप नया फ्रेम बना सकते हैं और नेक्स्ट फ्रेम पे जा सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को ये नंबरिंग नज़र आ रही है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अभी हमारे पास एक फ्रेम है। तो यहाँ पर मैं ब्लू कलर के बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें दूसरा फ्रेम हमारे पास बन गया है। उसके बाद हम लोगों ने जिस तरीके की भी मूवमेंट करनी है अपने कैरेक्टर में वो करेंगे। तो ये देखें आपको ये परछाई नीचे नज़र आ रही है, पहले फ्रेम में ये हैंड ऐसे था और दूसरे फ्रेम में ये हैंड ऐसे है। इसी तरीके से हम अपने कैरेक्टर की मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर ये दो नंबर वाले फ्रेम को आप लोगों ने डिलीट करना है तो यहाँ पर हम एडिट फ्रेम पे जाएंगे और ये देखें यहाँ पर ऐड के नीचे डिलीट है, इसको डिलीट कर देंगे तो ये आपका फ्रेम डिलीट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर अपने फ्रेम्स को ऐड करते हैं। तो ये देखें मैं ब्लू कलर के बटन पे क्लिक करके फ्रेम को ऐड किया, ये देखें हैंड को मैंने ऊपर किया। अब यहाँ पे हैंड के पोस्चर को मैं चेंज करूँगा, तो एडिट यूनिट पे जाऊँगा, तो ये देखें हैंड के पोस्चर को मैंने चेंज कर दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट फ्रेम लूँगा, नेक्स्ट फ्रेम में हैंड को थोड़ा सा मैं इस साइड पर कर दूँगा, इसकी गर्दन को थोड़ा सा उस साइड पर कर दूँगा। उसके बाद मैं एक नेक्स्ट फ्रेम लूँगा, उसमें हैंड को इस तरीके से कर दूंगा और इस वाले हैंड को इस तरीके से कर दूंगा और गर्दन को थोड़ा सा आगे कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम लूँगा, नेक्स्ट फ्रेम लेके मैं हैंड को थोड़ा सा इस साइड करूँगा और गर्दन को थोड़ा सा पीछे कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम लूँगा, नेक्स्ट फ्रेम लेने के बाद दोबारा हैंड्स को हमने इस साइड करना है और गर्दन को थोड़ा सा आगे करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम लेकर फिर दोबारा हैंड को ऐसे करेंगे और नेक्स्ट फ्रेम लेंगे हैंड को दोबारा ऐसे करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने येलो कलर के बटन पर क्लिक करके ऊपर वाले फ्रेम पर जाना है, ये देखें चौथे नंबर फ्रेम पे आके हमने एडिट यूनिट पे जाना है और यहाँ पे हम लोगों ने आइज़ को सिलेक्ट करना है, आइज़ के स्टेटस को यहाँ पर चेंज करना है। देखें 1 कर दिया हमने, ये हाफ आइज़ हो गई। फिर पांचवें नंबर पे आके हमने आइज़ को पूरा क्लोज कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर प्ले करके चेक करेंगे, तो ये देखें करेक्टर हमारा मूवमेंट कर रहा है। तो अगर फिर भी आप लोगों को एनिमेशन में कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर आपके कैरेक्टर की बॉडी का कलर हैंड से मैच नहीं होता है तो आप लोगों ने इन हैंड्स को IBS पेंट में ओपन करके अपने कैरेक्टर की बॉडी के कलर के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कौन सा कैरेक्टर बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, बॉय कैरेक्टर, गर्ल कैरेक्टर या एनिमल कैरेक्टर या बर्ड कैरेक्टर, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी कैरेक्टर को बनाएंगे। इसके अलावा इस कैरेक्टर की जितनी भी मूवमेंट्स हैं और जितनी भी एनिमेशंस हैं वो मैं ग्रीन स्क्रीन पे करके अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।